डीसी सुशांत गौरव के निर्देश व वीडियो रवींद्र कुमार गुप्ता की पहल से बसिया प्रखंड को टीबी रोग मुक्त करने के लिए निक्षय मित्र बनकर समाज सेवी अधिकारी व सरकारी कर्मचारी आगे आए। सभी ने मिलकर बसिया प्रखंड के कुल 46 टीबी मरीजों को कुल 29 लोगों ने आर्थिक सहयोग कर टीबी रोग मुक्त प्रखंड बनाने का बीड़ा उठाया है। इस आर्थिक सहयोग में प्रति टीबी मरीज 6 माह तक प्रति माह 700 रुपया का पौष्टिक आहार देने का बीड़ा उठाया है। प्रखंड के समाज सेवियों के सहयोग से अब तक 46 टीबी रोगियों को क्षयमुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है। इस अभियान में आर्थिक सहयोग देने वालों को मंगलवार को डीसी गुमला द्वारा सम्मानित भी किया। वीडियो ने कहा कि डीसी क्षय रोग के प्रति काफी संवेदनशील है। उनकी यह कोशिश है कि हर क्षय रोगी को पोषण के साथ ही मानसिक संबल प्रदान किया जाए ताकि समाज में क्षय रोग के संबंध में फैली हुई भ्रांतियां दूर हों और क्षय रोगियों को क्षय मुक्त कराकर इसके प्रसार को रोका जा सके। ये एक बेहतरीन टीम वर्क और सोशल सर्विस के रूप में देखा जा सकता है। इस कार्य को किस प्रकार से एक आह्वान पर एक अच्छे टीम एफर्ट पर कितने कम दिनों में जो एक मुश्किल सा चीज लग रहा था वो हम लोगों ने होते हुए देखा है। कैसे लोगों को गोद लेकर उनको पौष्टिक आहार जो देना प्रति महीना, जैसे कि टीबी मरीज की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, वो बहुत जल्दी रिकवर कर सके और न सिर्फ रिकवर करे उसके बाद जो उनका जो रिहैबिलिटेशन टाइम है उस समय भी अगर मदद मिले तो वो पूर्णतया स्वस्थ होकर वो एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। और हम लोग जो इस जिला को टीबी मुक्त करने की पहल है अगले साल के अंत तक, उसके लिए ये मुकाम जो है वो बहुत मदद करेगा। और ये एक कड़ी है जो कहीं रुकना नहीं चाहिए। जैसे ब्लड की कमी होती है तो ब्लड देने वाले भी अगर इसी तरह हम लोग के साथ जुड़ते जाएं तो सदर अस्पताल में जो आए दिनों में हम लोग सुनते हैं कि कहीं ना कहीं इस या इस पार्टिकुलर ब्लड ग्रुप की कमी हो रही है, वो सभी बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो जो की टू सक्सेस है या जो हम कहते हैं आधार इस पूरे कड़ी का, वो ये है कि अगर जन भागीदारी हो सभी चीज़ों का बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। और पूरे बसिया की टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस नोबल कॉज के लिए आगे आकर प्रशासन की छवि को बेहतर किया है। पब्लिक के साथ जो ट्रस्ट गैप हो रहा था उसको इन्होंने भरने का धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि जो भी टीबी मरीज हैं उनको लोग गोद लें, तो उसको लेकर के हमारे टीबी चैंपियन परवीन है, तारकेश्वरी है, अलकुशस जी हैं, हमारे इन लोग सब आए हमारे पास, हमसे बोले कि सर ऐसा एक प्लान है। तो हम लोगों ने फिर उसके आधार पे बैठ करके फिर हम लोगों ने सोचा कैसे इसको किया जाए। तो फिर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो हमारे यहाँ कर्मी हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, और उसके बाद फिर जो यहाँ समाज सेवी लोग हैं उन लोगों को से हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा और फिर इनको हम लोगों ने एक मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हम लोग पहल करना चाह रहे हैं। और मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और पहल किए, उसके बाद सभी लोगों ने आगे बढ़ करके साथ दिया और हम लोग एक सप्ताह के अंदर सभी 46 मरीज को गोद ले लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।